एयर इंडिया की ओर से नागपुर के एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपमानित करने की घटना सामने आई है। इस घटना में 81 वर्षीय कृष्णा श्रोते नामक व्यक्ति को एयर इंडिया के कर्मचारियों ने उनके सामान का वजन 2 किलो ज्यादा होने का हवाला देते हुए करीब 2 घंटों तक विमान तल पर बिठा कर रखा। दरअसल कृष्णा श्रोते मूल नागपुर के निवासी है और फिलहाल वह लंदन में रहते हैं। लंदन की सरकार ही उनके पेंशन और रहने के खर्चे का वहन करती है। कृष्णा श्रोते की पत्नी नागपुर में रहती है और उनके बीमारी को देखते हुए ही वह नागपुर आए थे, लेकिन उनके साथ सामान के वजन को लेकर मुंबई एयरपोर्ट पर इस तरह की बदतमीजी की गई। इस संदर्भ में कृष्णा श्रोते ने पाचपौली पुलिस और कलेक्टर को शिकायत दर्ज की है। चेकिंग काउंटर वरती आणि त्यांनी माझ्या लगेजचं वजन केलं तर ते म्हणाले की तुमच्याकडे नियमापेक्षा जास्त वजन आहे 2-3 kg। तर मी त्यांना म्हटलं की बाबा माझ्या तर KG 19 हा हिथ्रो एअरपोर्टवरती केलेलं आहे 19 kg। तर ते म्हणाले की तुमचं सामान 19 नाही, जवळजवळ 26-27 kg आहे। तर मी म्हटलं की बा 19 kg याच्यामध्ये आहे आणि 7 kg स्टँडर्ड बॅग येत आहे माझ्या, तर ते तर फ्री असतेच बहुतेक। आणि माझ्याकडे 2-3 असे थैले पिशवी होती, तर ते म्हणाले की नाही तुमच्याकडे अजूनही पिशवी वगैरे आहे ते तसं नेता येत नाही, नेता येणार नाही। मी म्हटलं काही हरकत नाही, तुमचे जे काही चार्जेस असेल ते तुम्ही चार्जेस लावा आणि मला स्लिप द्या। तर ते त्या या शब्दावरती ते एकदम भटकले की तुम्हाला काय समजतं, तुम्ही काय सांगता, हे काय 19 kg आहेत हां असं असं ते, आणि एक अगदी रूढ भाषेमध्ये ते बोलायला लागले। तर मग नंतर बराच विवाद झाल्यानंतर अजून काउंटरवरचा दुसरा पण माणूस आला, तो त्यांनी पण मध्यस्थ केली। हां नंतर सगळं झाल्यानंतर मी बाहेर जायला लागलो, तर ते स्पष्ट सांगितलं की तुम्ही जाऊ शकत नाही एवढं सामान घेऊन। तर मी बाहेर जायला निघालो तर मला गेटवरती अडवलं गेलं आणि गेटवरती सांगितलं की बाबा तुम्ही बाहेर जाऊ शकत नाही, तुम्ही एअर इंडियाच्या काउंटरवरती जाऊन त्यांना सांगा बाहेर जायचं असेल तर। तर मी तिथे जाऊन त्यांना सांगितलं की बाबा बाहेर का जाऊ देत नाही, मी म्हणजे काय मी कुणी गुन्हेगार आहे की काय, हां का जाऊ देत नाही। मग थोड्या वेळाने त्यांचा माणूस तेवढ्यामध्ये ते त्यांच्या काउंटर पण वेळ झालेली होती, तर ते काउंटर पण बंद झालं आणि त्यांचा माणूस मला बाहेरपर्यंत सोडून दिलं। त्यांनी म्हणाले की आता तुम्ही जाऊ शकता, हे बहुतेक कॅमेऱ्यामध्ये आलेलंच असणार, तो माझ्यासोबत आला गेटपर्यंत मला सोडायला। तर नंतर मग काय झालं की त्यावेळी वाजले असतील, साधारण 7-1 वाजले असतील, तर मी टॅक्सी पकडली आणि दादर स्टेशनला आलो। आणि दादर स्टेशनवरून मी हावडा मुंबई हावडा एक्सप्रेसने नागपूरला आलो। माझ्याकडे तिकीट होतं, म्हणजे ते जनरल तिकीट होतं आणि गाडी तर संपूर्ण फुल होती स्लीपर, पण जागा काही मिळाली नाही। तर मी कसं तरी उभे राहून अकोल्यापर्यंत आलो। अकोल्यामध्ये मला थोडी सीट मिळाली, त्याच्यामध्ये बसलो। काय वाटतं तुम्हाला, तुमच्याकडे तुम्ही जास्त पैसे द्यायला तयार होते, आपल्या लगेजचे पैसे भरायला तयार होते, तरी सुद्धा त्यांनी का म्हणून त्यांनी पैसे घेतले नाही किंवा का म्हणून त्यांनी लगेज स्वीकारलं नाही? हेच की त्यांना काहीतरी आपला रॉब दाखवायचा होता की मी माझ्यासमोर तुम्ही काय बोलताय, माझे एवढं सामान आणि तेवढं सामान आहे, हां मी सांगतो त्याप्रमाणे तुम्ही पैसे भरा। हां म्हणजे एकदम ते अगदी रूट भाषेमध्ये आले। जवळजवळ एअर इंडियाच्या जवळजवळ कमीत कमी 12 वर्षापासून मी ग्राहक आहे, ही पहिलीच वेळ आहे। पण मी बघतो आहे की त्यांची वागणूक पाहिजे तशी नाही आहे सभ्यतेची, तसं व्हायला तर नको आहे आणि असेलही 2-3 kg म्हणजे काही माइंड करायला नको होतं त्यांनी, कारण की हे चालतं काय, कारण की प्रत्येक प्रवासी काही सामान मोजून निघत नसतो घरातून, कमी जास्त होत असते, हे त्या एअरलाईनला कळायला पाहिजे। हां मी म्हणतो KG 2 kg काही मोठी गोष्ट आहे का? हां हे त्यामध्ये म्हणजे एवढी आपली हे दाखवतात दादागिरी आणि गिरायकाशी आपल्या कस्टमरशी वाटेल तसं बोलतात।
कि जो दुर्व्यवहार इनके साथ में हुआ है वो भविष्य में आप किसी और के साथ ना हो, क्योंकि हमारी सरकारें कहती हैं अतिथि देव भव, मगर ये अपने आप में एक अजूबा और अपने आप में एक ऐसा केस आया है कि जो हमारे माननीय कृष्णा जी श्रोते हैं, इनकी उम्र 81 साल है, 81 साल के बुजुर्ग के साथ में एयर इंडिया वालों ने जो अपमानजनक व्यवहार किया वो एक सिर्फ अपमान नहीं है, वो 125 करोड़ देशवासियों का मान हनन हुआ है। सरकार की जो सरकार की प्रतिष्ठा है या सरकार जो अतिथि देव भव का नारा देती है, स्वच्छ सुंदर भारत अभियान की जो संकल्पना करती है, सरकार के जो अच्छी पहल है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। घटना ऐसी है कि माननीय श्रोते जी, जब 22 तारीख को 3:55 पर लंदन एयरफोर्स से ये जब इंडिया के लिए आते हैं, भारत के लिए आते हैं, तो ये 23 तारीख को 6:20 पर ये एयरपोर्ट पे उतरते हैं टर्मिनल नंबर 2 अंधेरी ईस्ट में। तो इनकी फ्लाइट जब ये दूसरी अपनी फ्लाइट बुक करते हैं तो ये फ्लाइट इनको रहती है शाम को 7 बजे की फ्लाइट रहती है। ये अपने सामान को क्लॉक रूम में रखवाते हैं, जिस सामान का वजन एयर इंडिया इन्होंने किया था, लंदन एयरलाइंस वालों ने जो वजन 19 किलो बताया था, ये 4:40 पे आते हैं श्रोते सर और अपना सामान उठा के काउंटर पे जाते हैं। काउंटर पे जाने के बाद अपना बोर्डिंग पास मांगते हैं, तो वहाँ उनके साथ में इतना दुर्भावना की जाती है, उनको बोला जाता है कि आपका जो लगेज है वो लगेज कुछ ज़्यादा है, 2 किलो ज़्यादा है जो हमारे दिशा निर्देशों के अनुसार है। तो माननीय बुजुर्ग साहब बोलते हैं कि मुझे ये नियम पता नहीं है, पर मेरा इतना कहना है कि जब मैंने लंदन से मैं चला था तो मेरा वजन मात्र 19 किलो था और आप लोगों को ही सामने मैंने आप लोगों के क्लॉक रूम में ये लगेज रखवाया है। आप चाहो आप CCTV देख लो, आप इसको कैसे 26 या 27 किलो बता सकते हैं। बात यहाँ से शुरू हुई, उसके बाद काउंटर के जो एयर इंडिया का जो कर्मचारी था उसका कहना था आप हमें कायदा कानून मत समझाओ, ये भारत देश है, यह हमेशा कायदा कानून होता रहता है। उसके बाद में श्रोते सर का ये कहना था कि आप एक काम कीजिए, ठीक है ऊपर का जो भी वजन होता है आप उसकी मुझे सिर्फ स्लिप दो, स्लिप इसलिए दो कि अगर मैं नागपुर एयरपोर्ट पर उतरूँ तो मेरे को ऐसी मेरे साथ में ये घटना न घटे कि आप ज़्यादा सामान के साथ आए, तो आप मेरे को स्लिप दे दो और ऊपर का जो पैसा मैं देना चाहता हूँ। मगर उस सुरक्षाकर्मी का कहना था कि न मैं स्लिप दूंगा न पैसा दूंगा, और अब तू कैसे यात्रा करता मैं भी देखता हूँ। तो इस तरह जब इनको मानसिक आघात पहुंचाया गया ये शॉकिंग हो गए, इनको सोचने समझ गए शक्ति कुछ समय के लिए छीन हो गई कि मुझे करना क्या है। जब ये वहाँ से बाहर आना चाहते थे कि मैं किसी से मदद मांगूं, तो इनको बाहर आने से भी रोका गया, इनको वहाँ से किसी सुरक्षाकर्मी ने रोक दिया कि आप बाहर नहीं जा सकते और ना अंदर जा सकते, ये समझ के चलो कि 4:40 से लेकर जब तक इनकी फ्लाइट छूटी नहीं है तब तक तकरीबन 2.5 घंटे के आसपास इनको एक बंधक बना के रखा गया, एक प्रतिष्ठित नागरिक को, उस नागरिक को जिसको कि दोहरी नागरिकता दी है। अभी भारत सरकार ने माननीय मोदी साहब ने तो हमारे अप्रवासी भारतीयों के लिए दोहरी नागरिकता दी है, और वहाँ के सम्मानित नागरिक हैं कृष्णा श्रोते जी, वहाँ पर ये 24 साल से रह रहे हैं, वहाँ इनको काफ़ी सम्मान मिले हुए हैं, वहाँ की सरकार इन्हें पेंशन देती है। तो मेरा यह कहना है कि एक बुजुर्ग के साथ नहीं हुआ, ये पूरे देश का अपमान हुआ जिसका मैं निषेध करता हूँ।